अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो आज की जो वीडियो है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री के लिए। तो आज जो है हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो है वो उसका होगा लेक्चर नंबर 1। सो लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, यानी कि शॉर्ट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में हमारे पास आ सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स में। तो उसको आज हम वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है मॉलिक्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्लाइड में लिखी हुई आ रही हैं। तो उसमें से नंबर 1 है मॉलिक्यूल इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। नंबर 2 है मॉलिक्यूल इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर 3 है मॉलिक्यूल शोज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। नंबर 4 है मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन है एटम्स का और स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का, और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को शो करता है और एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं करता। सो अब जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं उनकी नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर। तो नंबर 1 जो है वो है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम, वो मॉलिक्यूल जो कि एक एटम को कंसिस्ट करे वो कहलाता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी एग्जांपल है हीलियम, नियॉन और आर्गन। और नंबर 2 जो है वो है डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम को कंसिस्ट करे तो वो कहलाता है डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और क्लोरीन Cl2। सो नंबर 3 जो है हमारे पास वो है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम कंसिस्ट करे वो कहलाता है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी एग्जांपल है H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और नंबर 4 जो है वो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो कि 3 से ज़्यादा एटम कंसिस्ट करे वो कहलाता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी एग्जांपल है CH4 मीथेन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और C6H12O6 ग्लूकोज। अब जो है हमारे पास नंबर 5th जो है वो है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो कि एक ही तरह के एक ही किस्म के एटम्स को कंसिस्ट करे वो कहलाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी एग्जांपल में है H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, P4 फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल और S8 सल्फर के 8 मॉलिक्यूल। और नंबर 6 और लास्ट जो है वो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो है मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि अलग अलग किस्म के एटम्स को कंसिस्ट करे वो कहलाता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 ऑक्सीजन के, और H2O वाटर और NH3 अमोनिया। सो इस तरह से इस स्लाइड में जो है हमारा टॉपिक नंबर 1 मॉलिक्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। सो अब जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो न्यू टॉपिक जो है वो है हमारा डिफरेंसेस का, जो कि तकरीबन हमारा जो है 4 स्लाइड्स में कंप्लीट होगा, यानी कि 4 अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 डिफरेंस जो है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के दरमियान। तो पॉइंट 1 जो है फिज़िकल केमिस्ट्री का वो ये है कि फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन दैम, यानी कि फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है मैटर के कॉम्पोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो चेंजेस होती है उसके रिलेशनशिप के साथ। जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसका पॉइंट 1 ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वेरियस
कंपोनेंट्स इन गिवन सब्सटेंस, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है एक गिवन सब्सटेंस के वेरियस कंपोनेंट्स की जो काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी के दरमियान जो सेपरेशन और एनालिसिस होती है उसके साथ डील करती है। अब पॉइंट नंबर टू जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो ये है कि इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ये डील करती है उन लॉज और प्रिंसिपल्स के साथ जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ताल्लुक़ रखते हैं केमिकल रिएक्शंस में। जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पॉइंट नंबर टू है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड इन क्रोमाटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ये जो है वो यूज़ की जाती है बहुत सारे प्रोसेस में जैसे कि क्रोमाटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये डिफरेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। अब जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो है एटम और आयन के दरमियान। तो पॉइंट नंबर वन जो है वो ये है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और आयन का जो है वो ये है कि आयन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जबकि आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। पॉइंट नंबर टू ये है कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और आयन का ये है कि आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, यानी कि एटम जो है वो एग्जिस्ट कभी करता है इंडिपेंडेंटली और कभी नहीं करता और जो है हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन में, जबकि आयन जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली और सराउंडेड होता है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और आयन जो है वो आयन हैज़ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आयन जो है उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये सेकंड डिफरेंस भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट डिफरेंस की तरफ जो कि होगा हमारा थर्ड डिफरेंस। अब जो है हमारा थर्ड डिफरेंस जो है वो है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान। तो पॉइंट वन ये है कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, एंड मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म बाय गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है केमिकल एलिमेंट के अंदर और कंपाउंड के अंदर जिसके पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस एलिमेंट की और कंपाउंड की, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनता है जब कोई भी मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है। तो पॉइंट नंबर टू जो है वो ये है हमारे पास कि मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर आयन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि मॉलिक्यूल जो है हमेशा न्यूट्रल होता है जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉइंट नंबर थ्री जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल इज़ स्टेबल यूनिट और मॉलिक्यूलर आयन इज़ रिएक्टिव स्पीशीज़, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल यूनिट होता है जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बनता है मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से। तो अब जो हमारा लास्ट डिफरेंस है वो है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान। तो पॉइंट नंबर वन जो है वो ये है कि कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि कंपाउंड जो है वो बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से एलिमेंट्स के, जबकि पॉइंट नंबर वन मिक्सचर का ये है कि मिक्सचर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि मिक्सचर जो है वो बनता है सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस से। अब पॉइंट टू जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं और उसके बाद जो है एक नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ।
अब मिक्सचर का पॉइंट नंबर टू ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ इन मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर लेते हैं मिक्सचर के अंदर ही। अब पॉइंट थ्री ये है कि कंपाउंड्स हैव फिक्स कॉम्पोजिशन बाय मास, यानी कि कंपाउंड्स का जो कॉम्पोजिशन होता है बाय मास वो फिक्स्ड होता है और मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है बाय मास वो फिक्स्ड नहीं होता। अब पॉइंट फोर ये है कि कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिज़िकल प्रोसेसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते उनको, जबकि मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको फिज़िकल मींस यानी कि फिज़िकल प्रोसेसेस से, फिज़िकल तरीक़ों से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कंपाउंड्स जो है होमोजीनस मिक्सचर होमोजीनस कंपोजिशन होता है कंपाउंड्स का, जबकि मिक्सचर का जो है होमोजीनस और हेट्रोजीनस कंपोजिशन होता है। तो इस तरह से जो है हमारा डिफरेंस का टॉपिक जो है वो एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में न्यू टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करेंगे। सो अब हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशन नंबर वन जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन मोल, यानी कि एटॉमिक मास जो है किसी एलिमेंट का जब हम उसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वह हमारे पास कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और इसको जो है हम वन मोल भी कहते हैं। अब जो है हमें एग्जांपल्स दी गई हैं कि वन ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर होता है 16 ग्राम मास के, और जो है वो बराबर होता है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के। इसी तरह से कार्बन की भी दी गई है और नाइट्रोजन की भी। तो इससे जो है हमारे पास ये एक तरह का रिज़ल्ट निकलता है कि वन ग्राम एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का उन सब के जो है मैसेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे हमारे पास। अब जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन जो है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी भी यही डेफिनेशन है कि जब हम किसी मॉलिक्यूलर मास को किसी भी एलिमेंट के और कंपाउंड के ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जो है हम इसे भी वन मोल भी कहते हैं। तो इसकी भी एग्जांपल्स दी गई हैं कि वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर होता है 32 ग्राम के, और वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। इसी तरह से वाटर का दिया गया है और इथेनॉल का दिया गया है। सो हमारी लास्ट डेफिनेशन जो है वो है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास की डेफिनेशन ये है कि द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन मोल, यानी कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है ग्राम फार्मूला मास, और जो है वो भी वन मोल कहलाता है। अब जो है इसकी दो एग्जांपल्स दी गई हैं। नंबर वन, वन ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 58.5 इज इक्वल्स टू वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, और नंबर टू जो है वो ये है कि वन ग्राम फार्मूला मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम इज इक्वल्स टू वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आके जो है हमारा डेफिनेशंस का प्रोसेस जो है वो एंड हो गया है। सो अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो हमारी न्यू स्लाइड में जो है आप देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने शो हो रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के नेम्स लिखे हैं और उनके केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के लिए। तो नंबर वन जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों सेम है, H2SO4। और नंबर टू पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी केमिकल, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों सेम है। और जो है नंबर थ्री पे है ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है C6H12O6, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का CH2O। और बेंजीन जो है नंबर फोर पे जो है उसका केमिकल फार्मूला है हमारे पास C6H6, और जबकि एम्पिरिकल फार्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन एंड हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स का। सो फ्री रेडिकल्स का जो पॉइंट वन है
वो ये है कि फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। तो पॉइंट टू ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि ये जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट के ऊपर एक डॉट लगा के, और इसकी एग्जांपल भी दी हुई है हमें, हाइड्रोजन जो है और उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, क्लोरीन है और H3C है। अब जो है पॉइंट फोर ये है कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़, यानी कि फ्री रेडिकल जो है वो जब बनते हैं जब जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी की मदद से एक होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है बॉन्ड का किसी भी दो एटम्स के दरमियान, और जो है फ्री रेडिकल जो है वो वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल का जो टॉपिक था वो इस स्लाइड में कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो अब जो है हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि वो फार्मूला जो कि मिनिमम कम से कम रिलेटिव नंबर हर एलिमेंट के जो है वो शो करे मॉलिक्यूल के अंदर वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला शो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है एटम्स को जब वो मॉलिक्यूल में होते हैं, यानी कि हर एटम को जो कि मॉलिक्यूल में होता है। और पॉइंट टू ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो नहीं करता मॉलिक्यूल के अंदर। और पॉइंट थ्री ये लिखा है कि एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें बताता है टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में जो कि उसके अंदर मौजूद होता है। अब हमारे पास जो ये न्यू स्लाइड है उसमें एम्पिरिकल फार्मूला का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें एग्जांपल लिखी हुई है, तो नंबर वन पॉइंट ये लिखा है कि बेंजीन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज 1:1, सो द एम्पिरिकल फार्मूला बिकम्स CH, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो जो है, यानी कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6, और सिंपलेस्ट रेशियो जो है हाइड्रोजन और कार्बन का वो है 1:1, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बेंजीन का बन जाएगा हमारे पास CH। इसी तरह से नंबर टू पॉइंट लिखा है कि ग्लूकोज हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इट शोज़ द रेशियो एज फॉलोज, यानी कि ग्लूकोज के बारे में बताया गया है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, और जो है उसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सिखाया गया है। तो हम C6H12O6 लिखेंगे, और जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद है उसको हम नीचे उतार देंगे, जैसे 6 कार्बन है तो 6 नीचे लिख दिया, फिर उसके बाद रेशियो का साइन आया और 12 हाइड्रोजन है तो नीचे 12 लिख दिया, और फिर रेशियो का साइन और 6 ऑक्सीजन है तो 6 नीचे लिख दिया। अब इसी तरह से जो है हम इसका जो है आगे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास जो एक वैल्यू आएगी रेशियो की वो होगी 1:2:1, यानी कि 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है ग्लूकोज का वो हमारे पास ये बना कि CH2O, और सिंपलेस्ट रेशियो जो है एटम्स का ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में वो है 1:2:1। तो इस तरह से जो है इस स्लाइड में आकर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हमारा न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द फार्मूला विच शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है
ऐसा फॉर्मूला है जो कि शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हर एक एलिमेंट के जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो। अब इसी तरह से जैसे एम्पिरिकल फार्मूला के कुछ पॉइंट्स थे, इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला के भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो उसमें नंबर वन ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव किया जाता है। अब पॉइंट टू ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है जब एटॉमिक वेट्स जो हैं उसके एटम्स के उसको ऐड किया जाता है। और इसी तरह से पॉइंट नंबर थ्री ये लिखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम ऑफ मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कंपाउंड का कभी कभी जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले से जो है मिलता जुलता होता है। अब जो है न्यू स्लाइड में हमारा जो हमने पिछली स्लाइड में स्टार्ट किया था टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें एग्जांपल दी गई है और ये लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6 विच हैव 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल और ब्रैकेट में लिखा है 1, 2, 3 ETC ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का वो है C6H6 जिसके अंदर 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है हमें एक फार्मूला दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। अब ब्रैकेट में लिखा है एम्पिरिकल फार्मूला और जो है स्मॉल एन लिखा है, तो एन की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। जब हम कोई क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एन की वैल्यू जो है वो कुछ भी आ सकती है हमारे पास, तो उसको जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला के साथ जो भी नीचे सिंबल्स और नंबर्स लिखे हुए होंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और इस तरह से जो है इस स्लाइड में हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक जो है वो एंड हो गया है। अब जो है सेकंड लास्ट स्लाइड है हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जो है हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए गए हैं। तो कंपाउंड नंबर वन है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और कंपाउंड टू है ग्लूकोज जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, और कंपाउंड नंबर थ्री है हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO और मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। कंपाउंड नंबर फोर है बेंजीन जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। और कंपाउंड नंबर फाइव जो है वो है एसिटिक एसिड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH। तो ये जो है ये भी एक ऐसा टेबल है जो कि MCQs में भी पूछ सकते हैं इनमें से किसी का भी, और जो है हमारे पास ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है एनुअल एग्ज़ाम में। सो जो है इन टॉपिक्स को जो है गौर से पढ़ें। और अब जो है हम अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। तो इस लेक्चर की जो है अगली स्लाइड जो है वो लास्ट स्लाइड होगी और लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अगली स्लाइड में। सो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वह एक साइंटिफिक रीज़न है और उसका क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर इज़ कंपाउंड, यानी कि हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं जबकि वाटर जो है वो कंपाउंड, तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें इसका जो है रीज़न बताना है। तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, हैंस दीज आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स, वेयर एज वाटर इज मेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड एंड नॉट एन एलिमेंट। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि वाटर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास कंपाउंड कहलाता है और एलिमेंट नहीं कहलाता। तो इस तरह से जो है हमारा लेक्चर नंबर वन जो है चैप्टर नंबर वन केमिस्ट्री 9 क्लास की जो है वो एंड हुआ।
और जो है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।